हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सब ठीक ही होंगे आशा करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर भुजिया। ये पनीर ली है मैंने थोड़ी सी, और टमाटर हैं, अदरक, मिर्ची, प्याज और हरा धनिया। और अब मैंने पैन रख दिया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है सरसों का, और ये साबुत जीरा है। ये थोड़ा सा हो जाने के बाद इसमें प्याज ऐड करने हैं। प्याज थोड़े से सॉफ्ट करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, हल्के से सॉफ्ट करूँगी इनको। उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मसाले जाएंगे। मसाले हैं, नमक है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये घर की पीसी हुई तीखी नहीं है। और ये देखो, हल्का से चलाने के बाद मैं इसको ढक दूंगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। ये देखो ढक दिया है मैंने, और अब ये देखो मसाले अच्छे से हो गए हैं। तो अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। पनीर ऐड करने के बाद थोड़ा सा ऐसे चलाने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी हो जाए। इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, और पनीर भी अच्छी सी सॉफ्ट रहे। ये देखो गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकाना है इसे, आधा मिनट, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा चलाऊंगी इसको। इसके बाद मैं इसमें कस्तूरी मेथी डालूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब कभी बनाएं तो इसमें कस्तूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। ये देखो हो गई है पनीर भुजिया तैयार। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी।